What's up, everybody? This is Asad Khan with back again a new video, baby. So, as you have seen the thumbnail, you will see how to remove pimple with face wash. That means, we will use face wash. We will carry any face wash. We will use face wash. We will carry any 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 पर वैसे दबाते हैं और उसको उसका सारा जो कचरा होता है वो निकाल देते हैं तो उससे वहाँ पे हमारी चीज में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. वहाँ पे डब्बा बन जाता ब्लैक कलर का या लाल कलर का रेड कलर का वो डब्बा बन जाता है. तो इसके लिए हम आज आपको सबसे फेस वॉश के बारे में बताएंगे. ये आपके सामने लंच फेस वॉश है गोल्डन पर का मैक्स वॉश मेक्स लाइफ फेस वॉश. ये वाला फेस वॉश आज हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे और इसका रिजल्ट दिखाएंगे इससे क्या होता है. उसके लिए हमें एक फेस वॉश की जरूरत पड़ेगी और उसके अलावा हमें एक हेयर बैंड की जरूरत पड़ेगी. ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा 30 या 40 रुपीज़ का. ओनली 30 रुपीज़ मिल जाएगा. आप वहाँ से ले सकते हो. अगर ये ऑनलाइन खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है. इससे अच्छा कि आप सीधा मार्केट चले जाओ. वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं. और उसके अलावा हमें एक पानी की बोतल चाहिए. पानी की बोतल आप वैसे ले सकते हैं सामने खड़ा होकर ऐसा ऐसा कर सकते हैं. लेकिन आज हम आपके सामने वीडियो में रहेंगे तो चलो चलते हैं स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपने बालों के अंदर ये हेयर मैल लगा कुछ इस तरीके से ताकि हमारे बालों पे ये नहीं लगे. और उसके बाद हम अपने फेस को हल्का हल्का गीला कर लेंगे. शावर लेंगे साफ. उसके बाद उसको हल्का हल्का पानी के ऊपर लगाएंगे कुछ इस तरीके से. और उसके बाद उसको अपने फेस को अप्लाई उसके बाद हम अपने हाथों पर हल्का सा फेस वॉश. We'll be right back.
आप देख सकते हो कि मेरा इस टाइम पे मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका, क्लियर हो चुका। आपको कुछ फर्क भी नजर आ रहा होगा, मेरे फेस में थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा होगा, फिर फेस वॉश का ये फायदा है। और अंदर से आपने ध्यान रखना है, कोई भी अगर आपको पिंपल बन जाए तो उसको आपने दबाना नहीं है, उसे आउट नहीं करना, उसको बाहर नहीं निकालना, उससे आपके फेस पर रहता है निशान बन जाएगा, वो आपके लिए नुकसान भी होगा, वो बहुत बुरा दिखाई देता है। तो आप अंदर से ध्यान रखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए।